जी आपको ड्राइवर तो नहीं चाहिए, मैं आपकी गाड़ी और ड्राइवर ले जाऊँ थोड़ी देर के लिए। कहाँ जाना है? फिरने। वैसे मेरी दुकान पे भी थोड़ा सा मुझे काम है। मैं समझी आप हॉस्पिटल जाएंगे। मैंने क्या करने जाना खैर सल्लल्लाहु अस्पताल। मैं तो शोबिज इंडस्ट्री की वर्सटाइल फनकारा जिसने तमाम फॉर्मेट्स में बेपनाह शोहरत, कामयाबी और इज्जत समेटी, जिसको पाकिस्तान की लिविंग लेजेंड फनकारा कहा जाता है। तकरीबन 5 दहाइयां शोबिज इंडस्ट्री पर राज करने वाली ये फनकारा जो इस वक्त उम्र के अपने आखिरी हिस्से में है, लेकिन कहावत है कि दिल होना चाहिए जवान उम्रा च की रखिया। अगर इस कहावत पर गौर किया जाए तो हमारी ये फनकारा इस पर बिल्कुल पूरी उतरती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें बुशरा अंसारी की। बुशरा अंसारी जिसने सारी जिंदगी फनून लतीफा आर्ट कल्चर को प्रमोट किया, लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में बुशरा आपा को क्या हुआ कि वो खुद को पहले से ज्यादा जवान और मॉडर्न समझने लग गई हैं, जिसने इकबाल अंसारी से 40 साल बाद तलाक ले ली और अब अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से इंजॉय कर रही हैं, जिसके मुतालिक ये अफवाह भी फैलाई गई कि उसने इकबाल हुसैन से दूसरी शादी कर ली है। आज के इस वीडियो में बुशरा आपा की जाती जिंदगी के मुतालिक ऐसे हकायक शेयर किए जाएंगे जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो। 15 मई 1956 को कराची में पैदा होने वाली बुशरा बशीर, जो मशहूर सहाफी, लिखारी और फिल्म डायरेक्टर अहमद बशीर की साहबजादी हैं। ये टोटल 5 बहन भाई थे, जिनमें से एक भाई और 4 बहनें। वालदा हाउस वाइफ थी। इब्तदाई तालीम लाहौर के लेडी ग्रिफिन स्कूल से हासिल की और लाहौर कॉलेज से ही इंटरमीडिएट किया, जबकि ग्रेजुएशन वकारुन्नसा कॉलेज रावलपिंडी से किया। बुशरा अंसारी और मशहूर अदाकारा सबा हमीद दोनों बचपन की दोस्त हैं, यानी प्राइमरी से लेकर दोनों ने इकट्ठे तालीम हासिल की। बुशरा अंसारी की दीगर बहनें नीलम बशीर, अस्मा अब्बास, बुशरा अंसारी और सुंबल अंसारी। बुशरा अपना फनी सफर का आगाज 60 की दहाई के आखिर से किया। पीटीवी का मशहूर प्रोग्राम कलियों की माला, जिसके बानी सुहेल राणा थे। इसके बाद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा। पहला ड्रामा अपने शोहर इकबाल अंसारी का किया। महबूब अहमद, कुर्सी पर तो तुमसे अच्छी तरह बैठा जाता नहीं है, इंतखार में किस तरह खड़े हो गए तुम? क्या हो गया है तुम्हें इस उम्र में? तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। इंतखाबी मुहिम, पता नहीं कहां से दिमाग में फुतूर आ गया। क्योंकि इकबाल अंसारी उस ड्रामे के प्रोड्यूसर थे, दोनों की दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती शादी में बदल गई। अगर बात की जाए बुशरा आपा के मशहूर ड्रामों की, तो उनमें से चंद ड्रामों के नाम हैं आंगन टेढ़ा, शो टाइम, 50-50, शोशा, रंग तरंग, एमरजेंसी वार्ड और लूज टॉक जैसा मुनफरद प्रोग्राम। टीवी के साथ साथ थिएटर में भी अदाकारी जारी रखी। तुम दोनों अगर घूमने निकल गए और मैं अकेली कमरे में पड़ी रही तो? आप ही वहाँ होटल में टीवी वीसीआर होते हैं, मिल जाते होंगे, मुझे भी पता है। तुमने भी सिर्फ गाड़ी में रख के ले जाना, सर पे तो नहीं उठा के ले जाना, नखरे देखो जरा कैसे। बुशरा आपा कुदरती तौर पर फनकाराना सलाहितों से मालामाल थी, जिसको बहुत जल्द पाकिस्तान के सीनियर फनकारों ने हाथों हाथ लिया। बुशरा आपा का शुमार इंडस्ट्री के लेजेंड फनकार मोइन अख्तर, अनवर मकसूद और उमर शरीफ के पाए के फनकारों में होने लगा। दंदल होती है, यू नो दंदल, व्हाट इज दंदल? नहीं मुझे नहीं। जब आप बर्फ खाने के अंदर जमा हो जाए या आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए अंदर किसी बर्फ खाने के अंदर या डीप फ्रीजर में, तो फिर आपके दांत बाहर आ जाते हैं, आंखें आपके ऊपर चढ़ जाती हैं। 10 जून 1978 को इकबाल अंसारी और बुशरा बशीर ने घर वालों की रजामंदी से पसंद की शादी कर ली। 1989 में बुशरा आपा को हुकूमत पाकिस्तान की जानब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से भी नवाजा गया। शादी के बाद बुशरा और इकबाल अंसारी को अल्लाह पाक ने 2 बेटियों की रहमत से नवाजा, जिनका नाम रखा गया मीरा अंसारी और नरीमान अंसारी। बुशरा अंसारी की एक बेटी मॉडल जबकि दूसरी बेटी फोटोग्राफर है। दोनों बेटियों की शादी कर दी है और अपने अपने घरों में मसरूफ और खुशोखुरम है। इस वक्त बुशरा अंसारी नानी माँ भी बन चुकी है। बेटियां अपने घर चली गईं, जिम्मेदारी अदा हो गई। बुशरा अंसारी और इकबाल अंसारी ने एक साथ 40 साल गुजारे, मगर इन 40 सालों में दोनों के दरमियान प्यार कम और लड़ाई झगड़े ज्यादा थे। बकौल बुशरा अंसारी, उसका और इकबाल अंसारी का कभी भी जहन आपस में नहीं मिल सका। करीबी दोस्त जिनमें सबा हमीद, बहरोज सब्जवारी, जावेद शेख, मोइन अख्तर मरहूम और अनवर मकसूद, ये सब जानते हैं इकबाल अंसारी और बुशरा अंसारी के बीच कभी भी ना बन सकी। बुशरा अंसारी का कहना था कि उसने सारी जिंदगी सिर्फ अपनी बेटियों की खातर इकबाल अंसारी के साथ निभा किया। बेटियों की तमाम जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बुशरा अंसारी के कंधों पर थी, बल्कि इकबाल अंसारी ने तो उसे पैसा बनाने वाली मशीन समझ रखा था। जब बुशरा अंसारी के वालिद अहमद बशीर हयात थे, तभी बुशरा अंसारी ने अपने वालिद को बता दिया था कि उसके साथ गुजारा करना मुमकिन नहीं, लेकिन वालिद के समझाने पर बुशरा अंसारी दोबारा इकबाल अंसारी के साथ चली जाती। लेकिन जब बेटियों की शादियां हो गई, तमाम जिम्मेदारियों से फारग हो गई, तो बुशरा अंसारी ने इस बोझ को उतारने का फैसला किया और खामोशी से इकबाल अंसारी से अलीहदगी अख्तियार कर ली और तलाक ले ली। तलाक लेने से पहले अपने बच्चों और तमाम करीबी दोस्तों से मुकम्मल मशवरा करने के बाद ये कदम उठाया। अब जबकि बुशरा अंसारी और इकबाल अंसारी अलग हो चुके हैं, जिसे बुशरा अंसारी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझती हैं, और अब वो अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके और अपनी मंशा के मुताबिक गुजार रही हैं।
पूरी दुनिया घूमती हैं। अपने पसंद के कपड़े पहनना, जवान नजर आना, शादी ब्याह में डांस करना, हर किस्म की एंजॉयमेंट करना, क्योंकि बुशरा अंसारी समझती है कि उसे अब आजादी मिली है। वो अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से गुजारना चाहती है। इंसान की खुशी उसके चेहरे और हरकतों सकना से नोट की जा सकती है। बुशरा अंसारी इकबाल अंसारी को छोड़कर जितना खुश है उतनी शायद उसके साथ नहीं थी। सोशल मीडिया पर बुशरा अंसारी की ड्रेसिंग और डांस पर अक्सर तनकीद की जाती है। बहुत सारे सोशल मीडिया सार्फिन बुशरा अंसारी की हरकतों को देखते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहती है। वो किसी की तरफ नहीं देखती। जिंदगी के 40 साल जिस कुर्ब और परेशानी में गुजारे, वो अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त अपने तौर तरीकों से गुजारना चाहती है। हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तौर तरीकों से गुजारने का मुकम्मल हक है, लेकिन अगर मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेहयाई गलत और गुनाह कबीरा है। हमारी इस वीडियो के जरिए बुशरा आपा के लिए दुआ है कि जहां भी रहें खुश रहें, ऐसे ही हंसते मुस्कुराती रहें। अल्लाह पाक बुशरा आपा को लंबी जिंदगी अता फरमाए। दोस्तों, अगर आप बुशरा अंसारी को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी का नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोज के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोज हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोज का लिंक भी उसी प्ले लिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।